नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी वनडे एग्जाम और ग्रुप डी के लिए बहुत लाभकारी होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस है। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में की थी, जिनका मूल नाम मूल शंकर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञान है। आयने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। मध्यकालीन विजयनगर को आज हम्पी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हम्पी के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हिंदू बौद्ध और जैन के हैं। इसके हिंदू बौद्ध और जैन। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा पल्लवों द्वारा संरचित कला के साक्षी हैं, जो 8वीं सदी में बनाया गया था। जो 7 पैगोड़ा था ना, वो पल्लव वंश से संबंधित है, ये ध्यान रखना। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से संबंधित है। किससे? शाक्य वंश से। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने, जो राष्ट्रकूट वंश के थे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्नेसा था। और नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार निकाला था? यंग इंडिया हरिजन निकाला था। कौन सा? यंग इंडिया हरिजन। नेक्स्ट है, अंकुर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो विष्णु जी का है। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम जी हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला कहा जाता है? किसका? मुर्दों का टीला। तो मोहन जोदड़ो को कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट गणानंद था। संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकापियम है। ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, तोलकापियम। महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला विदेश यात्री कौन था? तो अलबरूनी था, जो उसके साथ आए थे महमूद गजनवी के। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। किस राज्य को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो कांची के पल्लव वंश को। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हैमू के बीच लड़ा गया था। शक संवत कब से बनाया जाता? तो 78 ईस्वी से, यानी एडी से। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी
महमूद गजनवी था, कौन था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लेकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया कि वे असद खां को वजीर बनाए रखे? तो औरंगजेब थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने अपनी आत्मकथा। विश्व में सबसे लंबा अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो मिसिसिपी नदी क्रम का है। नेक्स्ट है, 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। सम्राट अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? तो अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ था, जिसके लेखक कालिदास जी थे। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बयाना, जो भरतपुर में और राजस्थान में पड़ता है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक का माना जाता है? तो कुमार गुप्त को नालंदा का संस्थापक माना जाता है। कुमार गुप्त फर्स्ट, 450 से 470 तक। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम ही है, जिसके लेखक कालिदास मैंने अभी आपको बताया था। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय किसे जाता है? मौर्य गुप्त को जाता है। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट जी ने किया था। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से? तो चिकित्सा के क्षेत्र से है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो हूण से था, हूणों बोलते हैं। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो समुद्रगुप्त जी ने की थी। सर्व राज्योच्छेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 में की थी। कब? 319 में। गुप्त संमत एवं सक संमत में कितना अंतर है? तो 241 वर्ष का, यानी 241 वर्ष का अंतर है। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? गुप्त वंश के शासकों ने किया था। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने किया था। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी थे। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला था? तो 510 ईस्वी में। कब मिला था? 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 415 से 454 में। ठीक है, वो जो अभी थोड़ी देर पहले था वो कुमार गुप्त का वो शासनकाल था, 450 से लेके 450 से लेके कुछ ऐसा था, है ना, 450 से 70 तक। लेकिन इसके बनाई की पूछा है कब से कब तक बन के रेडी हुआ था? तो 415 से 454 तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, संगम काल में चलते हैं। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो 2289 रचनाओं का वर्णन है संगम काल में, 2289। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम, जिसके संस्थापक खुद यही थे, इन्हीं के नाम से था। तोलकापियर क्या थे? तोलकापियर ने की थी। तोलकापियम की रचना जो तमिल व्याकरण है, ये क्या है? तमिल व्याकरण। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो करिकाल था। कौन था? करिकाल। करिकाल गद्दी पर
190 ईस्वी के लगभग बैठा था। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया था? तो करिकाल ने दिया था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। मानसून की खोज किसने की थी? तो मिस्र के नाविक थे जिनका नाम हिप्पालस था, उन्होंने की थी। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन था? तो उरैयूर था। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेंगुटुवन था। किस शासक को लालचेर कहा जाता है? तो सेंगुटुवन को लालचेर कहा जाता है। लालचेर किसको कहा जाता है? सेंगुटुवन को। और देखो मौर्योत्तर काल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कंडव या कांडव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। सातवाहन या आंध सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिम्मुक ने की। किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था? तो मौर्यों के अधीन। किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया? तो मौर्यों के अधीन किया था। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कनिष्क थे। कौन से राजा थे? कनिष्क। नेक्स्ट चलते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति काल की गंधार शैली किन शैलियों का मिश्रण थी? तो इंडो ग्रीक यानी भारतीय यूनानी शैली। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरस्पुर, फिर बाद में मथुरा हो गई। पुरस्पुर का दूसरा नाम पेशावर था। और चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क थे। किसके? कनिष्क। नेक्स्ट चलते हैं। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो ग्रीक बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक है? तो मथुरा संग्रहालय में है सबसे अधिक कुषाणों की मूर्तियां। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? तो कुषाण वंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। कौन है? कुषाण वंश ने। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? तो सीसा की। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के थे। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र किसके समकालीन थे? कनिष्क के। 78 ईस्वी का शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने ही चलाया था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में हुआ था। किसमें हुआ था? वास्तुकला में। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन थी। कहाँ? पैठन। नेक्स्ट चलते आगे। किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशती, ये ध्यान रखना भाई, गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी जिनका नाम था हाल या शालिवाहन? तो उन्होंने की थी गाथा सप्तशती। तो ये सातवाहन सम्राट थे, ठीक है। कौन? हाल और शालिवाहन, जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो सातवाहन का था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई थी? तो कुषाण के काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो कंडव वंश ने किया था। किसने किया था? कंडव वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेंग चाओ ने। कनिष्क को किसने हराया था? पेंग चाओ ने। पेंग चाओ। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान का। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र के। किसके? पतंजलि किसके थे? पुष्यमित्र के। भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? तो इंडो ग्रीक के द्वारा। अब ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान ने किसका शासन किया था? तो बैक्ट्रिया का। किसका? बैक्ट्रिया का। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने नियमित रूप से चलाए थे।
और अधिक की बात किया है तो इन्होंने ही सबसे अधिक चलाए थे। शुद्ध की बात किया है तो गुप्तों ने किए थे। किसने? गुप्त। नेक्स्ट है, सातवाहनों का समाज कैसा था? तो सातवाहनों का था मातृ सत्तात्मक था, यानी माता की पूजा करते थे। कनिष्क किस जाति से संबंधित था? तो चीन की यूंची जनजाति से, चीन की यूंची जनजाति से। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? तो ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। किस धर्म का था वो? ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। वेश नगर में स्थित तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो हेलियोडोर ने कराया था। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता की रचना किसने की? कात्यायन ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजलो या कुजला कडफिसेस ने की थी। इंपॉर्टेंट है, कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ? तो 78 ईस्वी में। कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कामसूत्र की रचना किसने की? तो वात्स्यायन ने। पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में? कनिष्क के काल में हुआ था। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? तो फायान ने की थी। किसने की थी? फायान ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का, जिसके लेखक विष्णु शर्मा थे या विष्णुदत्त। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना है। क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना। हितोपदेश की रचना किसने की? तो नारायण पंडित जी ने की थी। और अगला, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। विक्रम संवत कब आया था? तो 57 ईस्वी में आया था। तो अंकुरवट का मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में, जो विष्णु जी का मंदिर है। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करना था। क्या था? शिकार करना। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन थे? तो भास थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस के लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमैग्नन मनुष्य है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन सा है? तो क्रोमैग्नन मनुष्य। क्रोमैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। सुभाषितवली के लेखक कौन है? तो मयूर है। तक्षशिला नगर शैली या तक्षशिला नगर किस नदियों के मध्य स्थित था? तो सिंधु और झेलम के। नेक्स्ट है, भीमबेटका, यानी जो भीमबेटका है ये गुफा है, जो पुरापाषाणिक स्थल है। कैसा है? पुरापाषाणिक स्थल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं के शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। जिसमें जो जो बनाया था ये भीमबेटका, तो उसमें बनाने की जो लोग थे उनका नाम था तो विष्णु श्रीधर और वाकणकर थे। कौन कौन थे? विष्णु श्रीधर और वाकणकर। तो अगर भीमबेटका को पूछा जाए कि यूनेस्को में शामिल है, तो हाँ ये यूनेस्को में भी शामिल है। कब शामिल की गई थी? तो 2003 में, 2003 में। कब शामिल की गई थी भीमबेटका? 2003 में की गई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, दाई से बाई ओर खरोष्ठी। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो चावल का हुआ था। किसका हुआ था? चावल का। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पानो है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनान वासियों ने कहा था। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासन काल का वर्णन? चंद्रगुप्त मौर्य के। चीन यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो कपसा पहुंचा था। कहाँ पे? कपसा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट है,
अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भूमध्य सागरी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो श्रावस्ती पर दिए थे उन्होंने। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। पुराणों में अशोक को क्या कहा था? अशोकवर्धन कहा जाता है। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। नेक्स्ट है, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन ने। नागानंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। और जिसकी हर्षवर्धन की और भी रचनाएं, तो रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो नेक्स्ट चलते, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार कराया था वो कराने वाले थे स्कंदगुप्त। किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। तो सुदर्शन झील कहाँ पे है? तो गुजरात के गिरिनगर में, यानी सौराष्ट्र में है। वैसे अगर पूछा है तो अभिलेख में कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़, रुद्रदामन, इन जगह पे मिलता है, जूनागढ़ और रुद्रदामन। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। किसने? राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। नेक्स्ट आगे चलते हैं, गुप्तोत्तर काल के प्राचीन भारत का इतिहास है ना। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की गद्दी पर कब बैठा? हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 में बैठा। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो भानुभट्ट था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का मान विद्वान था? तो हर्षवर्धन था। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट के। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो हर्षवर्धन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन ने लिखी थी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से। क्वेश्चन लिखना नर्मदा नदी से। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से। और ये ध्यान रखना, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के जो मध्य हुआ जो फाइट हुई थी तो वो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। शकलोत्तरा पथनाथ बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक था। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। कौन सा था? कन्नौज। अब देखिए, महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया रहता करता था? तो प्रयागराज में करता था ये हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में से? उत्तर प्रदेश में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था। किस चीनी यात्री को या ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को।
इसको कहा जाता है वेदांकुश, जिसको नीति पंडित भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहते हैं इसको। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी? तो हर्षवर्धन ने दी। दक्षिणी भारत में एरीपत्ति का अर्थ क्या है? तो जलाशय की भूमि। एरीपत्ति का क्या मतलब है दक्षिण भारत है? तो जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत या साधन क्या था? तो भूमि कर था। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? पैदावार का 1/6 भाग। पैदावार का 1/6 भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र थे। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख में। इसमें मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख। नेक्स्ट चलते, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में? तो राज तरंगिणी में, जिसके लेखक कलण थे। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? कलण। आगे चलते, कारकोट वंश की स्थापना किसने की? तो दुर्लभवर्म ने की थी। नेक्स्ट है, अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया था? तो अवंती वर्मन ने बसाया था। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो उत्पल वंश का हुआ था। कारकोट के बाद कौन सा? उत्पल। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया था? तो 643 में किया था। कब? 643 में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन था? तो यशोवर्मन का था। तो नेक्स्ट है, हेनसांग की रचना की क्या नाम है? हेनसांग की रचना का क्या नाम है? तो सीयू की था। क्या था? सीयू की। नेक्स्ट आगे चलते हैं, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी, लेकिन नॉर्मल पूछा है तो श्री गुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त बताएंगे फर्स्ट। और वैसे पूछा है तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्री गुप्त ने की थी। किसने? श्री गुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो गुप्त वंश के। गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृति की कृतियां किस काल में या किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से। हरिसेन किसका राजदरबारी था? तो समुद्रगुप्त का था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता? तो दीनार कहा जाता। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। ये ध्यान रखें, महाकाव्य कौन कौन से? कालिदास के, तो ये कुमार सम्भव है, रघुवंशम है, ठीक है। और ये इन्होंने जो की थी ये संस्कृत और प्राकृत भाषा में की थी, यानी संस्कृत और प्राकृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इनको वैदर्भी रीति के कवि भी कहा जाता है, वैदर्भी रीति के कवि। और खंड काव्य कितने थे? खंड काव्य भी इनके दो थे, मेघदूतम और ऋतुसंहार, ठीक है, मेघदूतम और ऋतुसंहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त युग में हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो एक उपज का 1/6 भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो गुप्त युग की या गुप्त वंश की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को रोकने या सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो गुप्त वंशों ने दिए थे। मैरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? चंद्रगुप्त द्वितीय की में। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन थे? तो उनके नायक थे अग्निमित्र। और भी इसके नाटक हैं, हाँ है ना, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम।
नेक्स्ट चलते हैं, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग में, किस अभिलेख? प्रयाग अभिलेख। बाल विवाह की प्रथा कब और कहाँ आरंभ हुई थी? बाल विवाह की, यानी बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो गुप्त युग में हुई थी। कब हुई थी? गुप्त युग में। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासन ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो समुद्रगुप्त ने की थी। सर्वराजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संमत की स्थापना कब की थी? 319 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुप्त संमत और शक संमत में कितना अंतर? 240 वर्ष का। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र, उज्जैन। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला था? 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 415 से 454 तक। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी तरह की वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।